सागर पुलिस ने भानगढ़ थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर लिया है। आरोपी ने हत्या की उसकी लाश कुएं में फेंक दी थी और हत्या की पूरी वारदात अवैध संबंधों को लेकर बताई जा रही है। मृतक उत्तर प्रदेश का था और आरोपी अशोकनगर जिले की मुंगावली के निकले। पुलिस अधीक्षक अमित सांगे और एएसपी विक्रम सिंह ने आज मीडिया को घटना की जानकारी दी कि हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुएं में लाश यूपी के आगरा के ब्रजेंद्र की रेलवे स्टेशन काजिया के पास कुआं में अज्ञात मृतक का शव, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और कमर में लोहे का गटर बंधा हुआ था। अज्ञात मृतक के शव का पीएम कराने के पश्चात दिनांक 26 को अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। दूसरे दिन इसकी पहचान ब्रजेंद्र पिता खेमकरण तोमर 35 साल निवासी हकीमपुरा थाना मलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। अवैध संबंधों में फांसी कहानी। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान एक गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों को कथानुसार पाया गया कि आरोपी शीला आदिवासी के आरोप बीरू आदिवासी से करीब 15-16 साल की उम्र से अवैध संबंध थे। इसी बीच शीला आदिवासी की शादी माखन आदिवासी के साथ हो गई, जिसके दो बच्चे हैं। शीला आदिवासी बीरू आदिवासी से नाजायज संबंध के चलते शीला आदिवासी ने अपने पति माखन आदिवासी को करीब 3 साल पूर्व छोड़ दिया था। शीला आदिवासी मृतक ब्रजेंद्र तोमर के संपर्क में आई और करीब 2 साल के मृतक ब्रजेंद्र तोमर के साथ आगरा जाकर रहने लगी, परंतु बीरू आदिवासी ने शीला का पीछा नहीं छोड़ा और आगरा अपने साथ ही राम आदिवासी के साथ जाकर शीला के यहाँ रहकर करीब 6 माह मजदूरी की। शीला आदिवासी और बीरू आदिवासी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी बीच शीला आदिवासी आगरा से अपने मायके ग्राम बिलेरू थाना मुंगावली अशोकनगर आ गई। ब्रजेंद्र तोमर शीला को लेने उसके घर ग्राम बिलेरू पहुंचा, तभी शीला आदिवासी और बीरू आदिवासी की आपस में बातचीत हुई। बीरू आदिवासी राम आदिवासी ने मिलकर मृतक ब्रजेंद्र तोमर को 20 से हटाने की योजना बनाई। योजना अनुसार नायलॉन की रस्सी व नशीली दवाई तथा शराब खरीदकर दोपहर में रेलवे स्टेशन काजिया पर दोनों आ गए। बाद बीरू आदिवासी व राम आदिवासी ने एक शराब के क्वार्टर में नशीली दवाई मिलाकर मृतक ब्रजेंद्र तोमर को पिला दी। थोड़ी देर बाद ब्रजेंद्र तोमर बेहोश हो गया, तब बीरू आदिवासी व राम आदिवासी ने मृतक ब्रजेंद्र तोमर के दोनों हाथ लायलॉन की रस्सी से बांध दिए और फिर रेलवे लाइन के पास से लोहे का गटर उठाकर उस पर बांध दिया। फिर बीरू आदिवासी व रामू आदिवासी ने मिलकर मृतक ब्रजेंद्र तोमर की हत्या करने की नियत से बेहोशी की हालत में कुआं में डाल दिया, जिससे ब्रजेंद्र तोमर की मृत्यु हो गई। अंधे कत्ल का खुलासा करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए के इनाम की उद्घोषणा की गई है। इसमें पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। ये थाना बानगढ़ अंतर्गत सिरचौपी चौकी पड़ती है। इसमें कंजिया स्टेशन के पास एक कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर में एक लोहे का गर्डर जो कि रेलवे पटरी का रहता है वो बंधा हुआ था। इस पे इसका पीएम कराया गया। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही थी। इस पे फिर बाद में 302 रजिस्टर करके विवेचना आरंभ की गई और इसमें पेम्फलेट्स वगैरह छपवाया गया। बाद में यह पता चला कि यह मृतक ब्रजेंद्र तोमर था, जो कि आगरा का रहने वाला है और ये स्क्रैप का बिजनेस करता था। और इसके छोटे भाई की जो ससुराल थी वो बिलहरू में था। बिलहरू इसका आना जाना था। इसी दौरान वहाँ बिलहरू की एक आदिवासी महिला से इसके संबंध हो गए और जिसने अपने पहले पति को छोड़ रखा था और वो इसके साथ आके आगरा रहने लगी और बीच में ये वापस आई। जब ये इसको लेने आया बिलहरू तो इसकी जाने की इच्छा नहीं थी, तो इसने अपने पूर्व एक अन्य व्यक्ति से, इसके बीरू आदिवासी से संबंध थे, उसके और रामू के साथ मिलकर योजना बनाई कि कंजिया रेलवे स्टेशन पे पानी के बहाने ये ब्रजेंद्र को उतार लेगी और फिर ये तीनों मिलके इसकी हत्या कर देंगे। और अपनी इसी योजना के तहत कंजिया रेलवे स्टेशन पे ये लोग उतरे, जहाँ पे बीरू और रामू पहले से ही थे, और इन्होंने इसको एक शराब के क्वार्टर में नशीली दवा जो कि उन्होंने मुंगावली से खरीदी थी वो मिलाई, जिसको पी के ये बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद इसके हाथ पैर बांध के और गर्डर कमर में बांध के इसको कुएं में फेंक दिया। और 3-4 दिन बाद ये लाश फूल के जब ऊपर आई तब ये पता चला। इसमें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और टीम ने इसमें हमारे एडिशनल एसपी एसटीओपी बीना और थाना प्रभारी भानगढ़ साइबर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इनको 10,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया गया है और हमारा प्रयास रहेगा इसकी जल्द से इन्वेस्टिगेशन अच्छी करके साक्ष्य एकत्र करके और इन अपराधियों को न्यायालय से सजा हो सके।